नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के ग्राम खरकटा में। यहाँ के जनजीवन और यहाँ के लोगों से हम जुड़ते हैं और यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ के लोगों से। शुभ नाम क्या है आपका? राम हरि वैश जी। यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या है सर, शराब की बिक्री पर रोक नहीं लग रहा है। अच्छा, यहाँ शराब बिकती हैं? हाँ बिकती हैं, और खुलेआम लोग रात में तो और मुश्किल हो जाता है, यहाँ 7-8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। शराबियों का झुंड इधर उधर घूमता रहता है रोड पर। अच्छा, हाँ, और इससे चोरी की भी समस्या बनी रहती है और लोगों में जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई इसके द्वारा नहीं की जा रही है। यहाँ के सरपंच कौन है? सरपंच रमेश कुमार पनका जी हैं। तो उनसे कभी आप लोगों ने कुछ आवेदन या कुछ शिकायत या कुछ बताया नहीं? नहीं दिनेश भैया, हमने तो बात की उनसे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं रहे, बोल रहे हैं ऊपर से जो होगा वहाँ से थाने से होगा या फिर मध्य प्रदेश शासन जो करेगा वह होगा। तो मतलब मध्य प्रदेश शासन अगर करेगा तो शराब की जो ये बिक्री हो रही है उसको रुकवाएगा। आप लोगों ने कभी इस तरीके से आवेदन नहीं दिया शासन? आवेदन एक बार किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा मामला दबाया जाता है कि आप लोग क्यों दखल देते हैं इसमें। अच्छा, मतलब ये जो शराब का व्यापार चल रहा है पुलिस के द्वारा ही दबाया जाता है? हाँ, दबाया जा रहा है। कि आप लोग इस मामले में क्यों दखलअंदाजी कर रहे हैं? थाना कौन सा है? बरगवां। बरगवां थाना से। किसी का नाम वाम कुछ पता है? नहीं, नाम तो ऐसे पता नहीं। और किस किस काम का मतलब यहाँ पर काम चल? और यहाँ भैया देखिए, जैसे कि रोड पे लोग गाय गोरू बांध देते हैं, गौ कचरा कर देते हैं रोड पे, यहाँ हम लोग जा नहीं सकते। अगर मान लीजिए कहीं गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग, गाय को धक्का लग गया तो फिर हम ही लोग बोलते हैं ड्राइवर गंदा है। अच्छा, ड्राइवर कितना गंदा है। यही सब स्वच्छता की बात की जाए तो साफ सफाई के मामले में इस गांव की क्या? अरे साहब, का के यहाँ स्वच्छता की बात कर रहे हैं। कल हम गए थे 26 जनवरी को ग्राम पंचायत में, वहाँ चल कर आप देखिए कि कितना कचरा है। पाँव धरने की जगह नहीं है, 10 मिनट ठहरने का वहाँ मन नहीं करता है। किसी तरह दस्तखत बनाए और वहाँ से हम लोग चल दिए हैं। अब वहाँ न कभी खुलता है न कभी कोई बैठते हैं, चल के देख लिया जाए कितना कचरा है। इसीलिए हमको बड़ा परेशानी जमी कि हम कैसे यहाँ ग्राम पंचायत में क्या अपन समस्या हल होगी, कभी भी नहीं हो सकता। तो हम मौजूद हैं ग्राम खरकटा में। खरकटा में लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है, यहाँ पर शराब का व्यापार बहुत खुलेआम हो रहा है, गांजा भी होता है और गांजे का भी व्यापार होता है। गांजा तो यहाँ तस्करी बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका नाम जानते हैं? गांजे नाम तो भैया मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाई कुछ तो है यहाँ। अच्छा, कुछ है जो गांजे का भी व्यापार करते हैं। तो गांजे और शराब का खुलेआम यहाँ पर व्यापार हो रहा है। साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हृदयलाल जायसवाल जी, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और इनकी धर्मपत्नी उप सरपंच है ग्राम खरकटा की। क्या है इस गांव की हालात? हमारे गांव में जितने शौचालय बने हैं उसमें शौचालय नहीं किया जाता है। क्यों? अधूरे हैं। पैसा निकल गया है पंचायत एजेंसी से, पैसा निकल गया है और अभी उसका काम नहीं हुआ है, इसलिए नहीं जाते हैं शौचालय में। और क्या क्या मूलभूत समस्या है? और हमारे यहाँ चापा नहीं है, हमारे पंचायत में पानी का अभाव है। तो आपकी धर्मपत्नी उप सरपंच है? सरपंच हैं, है ना। हाँ। उनके क्या क्या उनकी दायित्व क्या है इस गांव के प्रति? उनका दायित्व का देखना तकना है, बिकती पार तो है नहीं, तो करवा दें। सरपंच अपने मनमाना काम करता है। तो क्या उप सरपंच और सरपंच के बीच में कोई अच्छा तालमेल नहीं है? इसकी क्या खास वजह है? उप सरपंच है पब्लिक के पीछे और सरपंच है पैसा के पीछे। अच्छा, उप सरपंच पब्लिक के पीछे और पैसा, क्या सही कह रहे हैं? हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं क्योंकि ये जनता के पीछे हैं, हमको कन्फर्म है। लेकिन यहाँ के सरपंच और पंच जैसे जो भी लोग हैं खाली बस अपने मतलब से मतलब रहते हैं। सहायक सेक्रेटरी जो है, सहायक सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार साहू जी, वो पैसा डालते हैं मजदूरों खाते में डालते हैं, दुकानदारों के खाते में डालते हैं। जो दुकानदार कर रहे हैं, 1 लाख का दुकान है, 2 लाख का है, करोड़पति हैं, उनके खाते में पैसा डालते हैं, मजदूरों के खाते में थोड़ी जाता है। जितेंद्र, ये जो सहायक सचिव है खरकटा, समस्या है भैया यहाँ जो शौचालय बना है, ठीक ना, शौचालय आप कहीं भी देख लीजिए, कम से कम यहाँ बोला है गया है कि सिंगरौली पूर्ण रूप से शौच से मुक्त है, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। यहाँ 5% काम नहीं हुआ गाँव में, आप देख लीजिए, पाँच परसेंट काम नहीं हुआ हमारे ग्राम खरकटा में। जो भी काम हुआ है, मान लीजिए वहाँ लोग शौचालय नहीं जाते हैं, शौचालय में नहीं जा रहे हैं गांव के लोग, सब बाहर लोटा लेके अपने बाहर में जा रहे हैं लोग।
सोच का पैसा खा लिए सरपंच या फिर जो दे रहे हैं जैसे कि आवास योजना उससे 10,000 रुपए ले रहे हैं। अच्छा। आवास उसका कम्प्लीट नहीं हुआ बेचारे का। कौन सरपंच? भूतपूर्व सरपंच जो थे खरकटा के, क्या नाम था? खरकटा के जैसे थे वाई के दुबे थे और जैसे जो भी थे यहाँ। अभी वर्तमान में कौन सा? वर्तमान में रमेश सरपंच है। उनका कैसा है कार्यकाल? उनका तो अभी उनका तो आवास आया नहीं अभी, लेकिन शौचालय को काम करवाए हैं। शौचालय काम सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ। हाँ साहब, ये जो रोड पर देख लिया जाए कौन रोड है, इस रोड पर कितना दबाव करके सब काम कर रहे हैं, कभी भी खतरा निशान हो सकता है। आज 15 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, तब उसको नेहरू मिले गए, वहाँ नहीं भर्ती गए, जबलपुर चला गया। मोड़ पे बहुत होता है। पर? ये मोड़ पे, ये इसी मोड़ पर गांगे के मोड़ पे बहुत ज्यादा, ये जो कचरा फैला है, एक दो लोगों का एक्सीडेंट होता है, एक दो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे समस्या यही है। तो ये सब सारी मूलभूत समस्याएं जो आपके समक्ष हैं। कैमरामैन जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार पोलखोल पोस्ट की ओर से, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोलखोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोलखोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266080।